Hi guys, this is Gaurav. So welcome back again to my YouTube channel. So दोस्तों आज का टॉपिक है रेंटल अकोमोडेशन इन साउथ ऑस्ट्रेलिया. अगर आप ओवरसीज से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी इंटरस्टेट से साउथ ऑस्ट्रेलिया में मूव होने जा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो है. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी साउथ ऑस्ट्रेलिया के टॉपिक्स, जो डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसकी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दोस्तों. सो दोस्तों अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और या इंटरस्टेट से मूव हो रहे हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है. सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपको अपनी अकोमोडेशन जहाँ से भी आप इंटरस्टेट या आप ओवरसीज से आ रहे हैं वहीं से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना के अपनी अकोमोडेशन फाइनल करके आएँ दोस्तों. अगर आप उसके बिना आएंगे तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा. दूसरी बात, जब आप अकोमोडेशन ले रहे हो उसमें कई टाइप्स की इश्यूज हैं दोस्तों. अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप सिंगल लड़का या लड़की हो तो उसके लिए रेंट्स अलग हैं या आपको इसमें मेन बात यह है कि दोस्तों कि आपको अगर आप एक रेंटल अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हो शेयर बेस पे तो आपको इजीली किन कंडीशंस में मिलती हैं, किन कंडीशंस पे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. दोस्तों अगर आप सिंगल हो तो अकोमोडेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं क्योंकि बहुत सारे इंडियंस कपल जो हैं वो किसी लड़का या किसी लड़की को एक रूम जो है या शेयर बेस पे रूम जो है वो रेंटल कर देते हैं. अगर दोस्तों आप एक कपल हो तो उसके लिए दोस्तों सक्सेस रेट जो है वो 50% है. ये नहीं कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आपको शेयर बेस पे किसी ना किसी जगह पे रेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है. और लास्ट दोस्तों अगर आप एक फैमिली वाले हो, मीन्स आपके पास एक छोटा बच्चा है जो 1 साल से लेके 5 साल या 10 साल तक का है, तो दोस्तों आपको रेंटल प्रॉपर्टी शेयर बेस पे लेने पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिलीज़ को अकोमोडेशन बहुत कम देते हैं. ऐसा मान के चलो 100 में से 20% ही जो है लोग सक्सेस कर पाते हैं, 80% लोग काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है. दोस्तों नंबर टू, अगर आप ओवरसीज या इंटरस्टेट से मूव हो रहे हो तो आपको रेंटल अकोमोडेशन लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है. फॉर एग्जांपल आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से आ रहे हैं और आप कुछ ना कुछ तो पैसे वहाँ से लेके चलते हैं अपने खर्चे के लिए, तो दोस्तों इसमें आपको अगर आप यहाँ पर रेंटल प्रॉपर्टी लेते हो और एकदम से आपको यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब भी नहीं मिलती और आपको दोस्तों कम से कम 3 से 4 महीने का जो है रेंट, ग्रॉसरी के खर्चे और बाकी जो लिविंग एक्सपेंस हैं, चाहे वो आपके मोबाइल के खर्चे हैं, चाहे आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं, वो दोस्तों आपको अपनी पॉकेट में रख के चलना पड़ेगा. नंबर थ्री पे दोस्तों बात आती है कि रेंट क्या है. दोस्तों आपको पता होगा कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया ये काफ़ी फेमस स्टेट है क्योंकि ये रीजनल स्टेट है. बहुत सारे लोग जो हैं इंटर स्टेट से मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ से भी यहाँ पे मूव होके पीआर हासिल कर चुके हैं और बहुत सारे क्यू में हैं. सो दोस्तों बहुत सारे लोग इंडिया से भी एजेंट काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टडी करें, जिसके आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे और आप ईज़िली यहाँ पर पीआर भी ले सकते हो. सो दोस्तों उस चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं पहले वाले दिनों में भी मूव हुए हैं और अब भी लोग मूव हो रहे हैं. तो दोस्तों आपको पता है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में जितनी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी बिल्डअप हैं, जो बन चुकी हैं, नहीं तो बन नहीं रही इतनी ज़्यादा, तो दोस्तों प्रॉपर्टीज़ वो ही हैं बट लोगों की गिनती जो है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है. सो उससे दिक्कत क्या आ रही है, उससे दोस्तों रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो लोगों को इंडिपेंडेंट भी किसी एजेंसी के थ्रू या किसी प्राइवेट ऑनर के थ्रू आपको डायरेक्ट एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी किसी समय पे आज से 3 साल पहले ईजिली मिल जाती थी, आज के समय पे आपको वो प्रॉपर्टीज़ बहुत टफ होके मिल रही हैं दोस्तों, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ रही है. और जो लोग ओवरसीज से मूव हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली वाले हैं, चाहे इंडिपेंडेंट है, चाहे वो कितने अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, जो भी हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेना दोस्तों, अगर आप सीधे ओवरसीज से आके सोचो कि यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट
टू बेडरूम सेट या थ्री बेडरूम सेट या सिंगल वन बीएचके आप ले लोगे तो दैट्स वेरी हार्ड दोस्तों। इसके लिए आपको काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं जो आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स होते नहीं हैं, और जो लोग इवन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनको भी दोस्तों काफ़ी स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी रेंटल किसी एजेंसी ने रेंट पे लगाई है, ठीक है, तो आप उसको देखने जा रहे हो प्रॉपर्टी को, तो जब आप उसकी एप्लीकेशन लेने के लिए लॉन्च करते हो तो दोस्तों आपको पता लगता है कि वहाँ पे 30-40-50 लोग क्यू में हैं उसी सेम प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी की वीकली रेंट जो है वो $300 है फॉर एग्जांपल, बट दोस्तों लोग तो $400 तक भी उस पर जो है बिट लगा के वो प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे हैं और आप कितना मैक्सिमम रेंट उस प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, फिर ही आप प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल रेंटल प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट लेना बहुत स्ट्रगलिंग वाला काम हो गया दोस्तों। और दोस्तों जो वीकली रेंट है सिंगल के लिए तकरीबन $150 पर वीक है, और अगर आप एक कपल हो तो तकरीबन आपको दोस्तों 200 प्लस 220-230 इतना रेंट देना पड़ेगा, और अगर आप एक फैमिली वाले हो तो हो सकता है आपको 250-300 तक अकेला एक रेंट और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर या और खर्चे हैं वो अलग से हैं दोस्तों। सो दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक फैमिली वाले हो और या स्टूडेंट हो या कपल हो, 3-4 महीने का रेंट अपनी पॉकेट में और ग्रॉसरी और कम बाकी जो खर्चे आपके लिविंग एक्सपेंस हैं उसको आप पॉकेट में रख के ही अपनी कंट्री से यहाँ पे आओ, क्योंकि इजी नहीं है कि यहाँ पे आते ही आपको जॉब मिलेगी और आप अपने लिविंग एक्सपेंस जो है वो मेंटेन करने शुरू कर दोगे, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या आपके लिए आ सकती है अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे। और अगर आप फैमिली वाले हो, आपके साथ बच्चे हैं, तो दोस्तों फिर आपको प्रॉपर्टी का जुगाड़ पहले ही करके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर बेस पे भी कोई फैमिलीज वालों को, बहुत कम लोग जो हैं वो शेयर बेस पे भी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल रख के ही दोस्तों ओवरसीज से या इंटरस्टेट से यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया को किसी और स्टेट के साथ मेलबर्न, ब्रिस्बेन या सिडनी के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही है बट वहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टीज कम है बट लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन सब बातों का दोस्तों आपको ख्याल रख के आना यहाँ पे पड़ेगा। सो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ओवरऑल ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपका कोई सवाल इसके रिलेटेड है या आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स ऑन इट। थैंक यू दोस्तों। सो दोस्तों मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक पे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।